हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम रिचा गुप्ता विथ यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? यूनिफॉर्म फ्लो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज भी पढ़ रखे थे। आई गेस अब आपको फॉर्मूलाज आते होंगे। एंड मैंने आपको कहा था कि अगर पॉसिबल हो, बिकॉज हम लोग ने ऑब्वियसली फार्मूला मैंने आपको अप्लाई करना बताया, मैनिंग्स फार्मूला कैसे करते हैं अप्लाई। एंड इन केस आपसे पॉसिबल हो तो आप जो बुकलेट के क्वेश्चन है उसको भी अटैम्प्ट कर लेना। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो कराऊंगी आपको। क्लियर? तो उसको तो हम लोग डील करने ही वाले हैं फॉर श्योर। आई गेस आपने एटलीस्ट रिवीजन कर लिया होगा जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आज की प्लानिंग ये है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस डील करेंगे। सो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस डील कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी तो सब सेम ही है। कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चैनल्स के शेप चेंज हो जाते हैं, बट जो फॉर्मूला है मैनिंग्स का, चेजीस का, एवरेज शेयर स्ट्रेस का, वो तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, बट उसमें जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी रेक्टेंगुलर का डील किया है। क्लियर? तो पहले न्यूमेरिकल्स डील कर लेते हैं, फिर मोस्ट प्रोबेबली टाइम बचेगा तो हम लोग एफिशिएंट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है। तो सब लोग अपनी बुकलेट निकाल लो। आई विल ऑल्सो टेक आउट द बुकलेट। सो बुकलेट का कौन सा क्वेश्चन करना है? बुकलेट का करना है क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये पूछा गया, ओ गेट 2019 का ही क्वेश्चन है, मतलब अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। चलो, सो बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 4 डील करेंगे। क्लियर? इससे पहले कल की क्लास में हम लोगों ने कॉमन डेटा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इन केस कोई डाउट निकल कर आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। इफ नॉट मी, देर आर एन नंबर ऑफ मेम्बर्स देयर विच विल बेसिकली क्लियर योर डाउट्स। एंड जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं भी उसमें ज़रूर हमेशा विजिट करती हूँ, और ज़रूर ही विजिट करती हूँ रोज़ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हमारे सिविल के जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग सबका, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, ये बातें तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर गिवन डाटा लिखूंगे और अप्रोच करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं है, वहाँ पर आपको रैपिडली कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अभी पहले ही आपको वार्निंग दे रही हूँ ये चीज़ की, ताकि बाद में गेट एग्ज़ाम से पहले पेपर्स में, या अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें कोई मेरे ख्याल से आप डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। ये क्या है, कल भी आपने देखा था हमने r की पावर 2/3, s0 की पावर ½ तो अभी आप कर रहे हो ES+ कैल्सी में, तो आपसे हो जा रहा है बहुत जल्दी। बट ये चीज़ अगर आप वर्चुअल कैल्सी में करते हो तो लगाने पड़ते खूब सारे ब्रैकेट्स, फिर उसकी पावर, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं अभी से सजेस्ट करूँगी, ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस इतने टिपिकल नहीं आते, टाइम आपको लग जाता है उसे वर्चुअल कैल्सी में सॉल्व करने का। तो मेक इट अ हैबिट बाय नाउ कि आप वर्चुअल कैल्सी यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशंस बड़े रहते हैं तो पावर आवर का लोचा रहता है, तो उसको प्रैक्टिस करो उसमें जल्दी और फास्ट एक्यूरेटली करने का, ठीक है। ये चीज़ बस ध्यान रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैज़ अ विड्थ ऑफ 5 मीटर एंड अ बेड स्लोप ऑफ 0.001। तो एक रेक्टेंगुलर चैनल है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर चैनल, ये भरा हुआ है रेक्टेंगुलर चैनल। इसकी विड्थ कितनी दी है? 5 मीटर। ये विड्थ है B, ठीक है, दिस इज द विड्थ B। और कितना दिया? ये विड्थ B 5 मीटर। इसके साथ आपको स्लोप दिया है, बेड स्लोप S0 से डिनोट करती हूँ, 0.001। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ डेप्थ 2 मीटर। यूनिफॉर्म फ्लो है मतलब नॉर्मल डेप्थ की बात कर रहा है। y0 कितना हो जाएगा? 2 मीटर। द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है द मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट फॉर द चैनल इज, मतलब आपसे n की वैल्यू पूछी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। तो देखो क्या पता आपको, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एक तरीका पूरा एक्सप्रेशन लिखो और यहाँ से कैलकुलेट करो, या एक तरीका है, देखो डिस्चार्ज तो दिया नहीं है तो मैं क्यों इस वाले रिलेशन के पीछे पड़ूँ, पहली चीज़। चलो, तो दूसरा क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है वेलोसिटी बाय मैनिंग्स इक्वेशन इज 1/n r^2/3 s^0 to the power ½ ये होता है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। n तो निकालना है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r = a/p। एरिया कितना होता है b/y। पेरीमीटर होता है b + 2y। अगर कुछ लोग आज की क्लास में सीधे पधार गए हैं, ये कैसे आया है उसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स देख कर आओ, स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स वाला। ठीक है, तो विड्थ कितनी हुई 5, ये y0 है, ये भी y0 है, और ये कितना है 2। विड्थ हुई 5 और y0 हुआ 2। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 5 + 4 दिस इज 10/9। 10/9 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 10/9 ही लिख लेती हूँ फिलहाल तो मैं। तो यहाँ पे हुआ 10/9^2/3 s^0 की पावर 0.001/2। बस सॉल्व करना और n की वैल्यू लाना है। तो चलो 10/9^2/3 इंटू 0.001/2 और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा है 0.01696 आ रहा है। ऐसा कुछ ऑप्शन में है? हाँ है भी। चलो पहले मैं लिखती हूँ मेरा जो आ रहा है 0.01696, क्योंकि मैंने कैलसी में 10/9 की पूरी 1.1111 पूरा ले लिया था। आप लोग अगर उसको राउंड ऑफ करोगे तो वो एग्जैक्टली 0.017 आ जाएगा। तो मैं इसको अगर राउंड ऑफ करूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.017। तो ये मैनिंग्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि कैलसी था मैंने एक बार में कर लिया, तो टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लग रहा, कंसेप्ट्स को समझने में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशंस करने में। अब समझ में आ रहा है आपको? तो आपको थोड़ा वर्चुअल कैलसी में एक्वेंटेड होना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अभी पिछले साल का क्वेश्चन है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बुकलेट का आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द नॉर्मल डेप्थ इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब अगर लेट अस सपोज पहले डेप्थ थी y0, तो अब इसको कितना बढ़ा दिया है 10% से। तो अब लेट अस सपोज जो नई वाली वैल्यू आई है वो कितनी है? या इसको y01 ले लो, ये बेटर है, और इसको y02 ले लो। तो पहले तो ये y01 y0 के इक्वल थी। कुछ भी आप डिनोशंस ले सकते हो, मैंने ऐसे ले लिया। अब आपने इसको 10% बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 1.10 y0, ये दिया है। अब आपसे पूछ रहा है द इंक्रीज इन डिस्चार्ज इन द चैनल इज। जब आपने डेप्थ को बढ़ा दिया तो डिस्चार्ज में कितना इंक्रीज आएगा? आई गेस परसेंटेज में पूछा है। हाँ, परसेंटेज में ही पूछा बेसिकली, कितना इंक्रीज निकल कर आता है ये आपसे पूछा है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ बतानी है जो मैंने आपको नहीं बताई है। आई जस्ट लेफ्ट इट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में वाइड रेक्टेंगुलर वर्ड यूज़ किया, वाइड WIDE। तो पहले समझ लेते हैं कि ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का फंडा क्या है। तो चलो ये है रेक्टेंगुलर चैनल, बड़ा दिखाती हूँ तभी वाइड दिखेगा। रुको एक मिनट, डायग्राम में सही से बना देती हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ओह पहले से ही ब्लैक था। चलो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है ना, तो ये कुछ ऐसा है। दिस इज विड्थ b, दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो y। अभी मैं y ले रही हूँ, y0 ही है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखो ये वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोला है, इसका मतलब ऑब्वियसली क्लियर हो जाना चाहिए कि जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेप्थ ऑफ फ्लो। अब क्या हो रहा है, कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, मुझे निकालना हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पहले। क्योंकि क्यों मैं आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक में इन डेप्थ निकालने को बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन के साथ भी रिलेट कर देती हूँ, क्वेश्चन में आपको डेप्थ दे रखा है कि पहले इतना था अब इतना हो गया, अब बताओ डिस्चार्ज में कितना इंक्रीज निकल के आएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि पहले आपको इन दिस कंडीशन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट कि डेप्थ दिया तो वेलोसिटी डिस्चार्ज निकालो, डिस्चार्ज निकालना है तो क्या करना है आपको, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है। तो उसको कैसे निकालते हैं? अब आप बोलोगे मैम बता तो रखा है आपने बी वाई नॉट अपॉन बी प्लस टू वाई नॉट, ये यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में विड्थ तो गिवन ही नहीं है, विड्थ तो गिवन ही नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन में तो विड्थ गिवन थी, आपने सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन में गिवन थी, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, फिर तो अटक जाओगे। तभी उसने सेफ साइड वाइड स्पेसिफाई कर दिया, अब आप जानो। उसने बोले बेटा हमने तो स्पेसिफाई कर दिया अब तुम जानो। तो अब मैं क्या करूँगी, वापस वो फॉर्मूला लिख देती हूँ जो वहाँ पे लिखा था, बी वाई नॉट बी प्लस टू वाई नॉट। अब सिंस b की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, विड्थ चैनल का बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेप्थ ऑफ फ्लो, तो अगर आप उस विड्थ में टॉइज ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो ऐड भी कर दोगे, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना निकल के आ जाएगा, दिस विल बी बी ओनली, दिस विल बी बी ओनली। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी डिवाइडेड बाय बी, तो आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना आ जाएगा, वाई नॉट। अब देखो दिस इज़ ओनली फॉर द केस ऑफ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें आपको अलग मिलेगी क्वेश्चंस में, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो अब आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि जब भी आप बात करते हो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बट देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में गेट में ऐसा देखा गया है कि वो बोलता वाइड है, ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, बट उसके साथ ना वो क्वेश्चन में विड्थ भी दे देता है, विड्थ भी दे दिया, डेप्थ भी दे दिया। तो अब कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने ये फंडा लगा के रखा है, तो वो लोग क्या करते हैं, विड्थ को कंसिडर नहीं करते हैं, बेसिकली वो आर इज इक्वल टू वाई नॉट ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर वाइड बोला, जस्ट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस क्लियर कर रही हूँ, क्वेश्चन में अगर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोला है एंड अगर क्वेश्चन में विड्थ दे दी है, देन यू हैव टू टेक दैट विड्थ ऑल्सो, तब आपको इस तरीके से निकालना है। और क्वेश्चन में वाइड बोला है और आपको विड्थ नहीं गिवन है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है क्योंकि कभी वाइड बोल देता है और विड्थ भी दे देता है, तो तब ले लिया करो, ठीक है, तब ठीक। हाँ, अगर वो बोल दे कि नेग्लेक्ट ऑल दोज थिंग्स, अगर मैं आपको बोल दे कि टेक हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो, अगर ऐसा मेंशन कर दे, अज्यूम टू टेक हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो, तब अगर दिया भी है बी और ऐसा बोला है तो ले लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पज़ के हिसाब से ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर? चलो अब मैंने निकाल लिया आर इज इक्वल टू वाई नॉट। अब क्या होता है, डिस्चार्ज फर्स्ट वाले का एरिया इनटू वेलोसिटी, तो एरिया है बी वाई नॉट वन, ये है 1/n आर की पावर 2/3 एस नॉट की पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 1/n बी वाई नॉट 2/3 प्लस 1 5/3 5/3 एस नॉट की पावर हाफ। अब देखो चेंजेस किसी में नहीं हो रहे हैं, चेंजेस सिर्फ डेप्थ में हो रहे हैं, बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं है। मतलब जो डिस्चार्ज है वो प्रोपोर्शनल है वाई नॉट टू द पावर 5/3 के। तो अगर मुझसे पूछा है इंक्रीज इन डिस्चार्ज, मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, तो ये कितना हो जाएगा, के भी कॉम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे के भी आएगा, ऊपर नीचे से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं ले रही हूँ, चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। वाई नॉट 5/3 माइनस वाई नॉट 1 की पावर 5/3 अपॉन वाई नॉट 1 की पावर 5/3। अब वाई नॉट 2 की जगह क्या लिखोगे, 1.10 वाई नॉट की पावर 5/3 माइनस वाई नॉट 1 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय वाई नॉट 1 की पावर 5/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको कन्वेंशनल तरीके से बता रही हूँ, शॉर्ट में आपको सीधे ये सब कैलकुलेशंस आपके माइंड में हो जाना चाहिए, डायरेक्टली आपको इस रिजल्ट पे पहुँचना है। क्लियर? इसका एक अप्रॉक्सीमेट मेथड भी होता है, बट जनरली आई सजेस्ट कि यही कर लो, बेटर है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस पास पास में रहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। -1 डिवाइडेड बाई 1, ये तो 0.7121 आ रहा है, इंटू 100 कर देती हूँ, सो दिस विल बी 17.216%। इतना परसेंट, अगर आपने डेप्थ ऑफ फ्लो को, यूनिफॉर्म डेप्थ को 10% से बढ़ाया तो डिस्चार्ज 17.216% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था क्या ये? हाँ, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। 17.2, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये मैंने आपको मैनिंग से करके दिखाया है, क्वेश्चन में बोला नहीं था देखो कि मैनिंग्स यूज़ करना या चेजीज यूज़ करना। देख लो मैं पूरा क्वेश्चन बदला। नॉर्मल डेप्थ इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज इंक्रीज बाय 10%, द इंक्रीज इन डिस्चार्ज इन द चैनल इज। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि हम लोग प्रिफर मैनिंग्स करते हैं। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता कि मैनिंग्स या चेजीज यूज़ करना है, तब आपको ध्यान में रखना पड़ता। एक और चीज़, अगर इसी क्वेश्चन में चेजीज यूज़ करने बोल देता, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ फ़र्क इसमें आता आपका पावर में। ठीक है, पावर में फ़र्क आ जाता, क्योंकि क्या है, वहाँ पर आप लेते हो c वेलोसिटी क्या होती है चेजीज के केस में, c √RS, तो एक वाई नॉट आता और एक वाई नॉट की पावर हाफ आता। तो वहाँ पर वैल्यूज़ में सिर्फ पावर में चेंज आ जाता है, जिसके कारण फाइनल रिजल्ट चेंज आता। बाकी जो मेथड है सॉल्विंग का, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर? तो आप एक काम करो, मुझे यही क्वेश्चन आप लोग ना, मैनिंग्स से तो मैंने कर दिया है, सेम क्वेश्चन को अगर डेप्थ को हमने 10% से बढ़ाया, इस कंडीशन में कितना इंक्रीज होगा डिस्चार्ज में, चेजी से सॉल्व करो, क्योंकि मैनिंग से मैंने बता दिया और मैंने आपको हिंट भी दे दिया है कि सिर्फ फ़र्क इसमें आएगा। यहाँ पे वाई नॉट है और वो वाई नॉट की पावर, क्योंकि √RS होता है, लिख भी देती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग को ये होमवर्क देने वाली हूँ। सो जस्ट अ मिनट, रुको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो b वाई नॉट होता है और ये होता है c √RS नॉट, सो दिस विल बी b वाई नॉट c S नॉट, और ये हो जाएगा y नॉट की पावर 1/2, क्योंकि r कितना है मैंने अभी निकाल चुका y नॉट, तो ये y नॉट प्लस y नॉट की पावर 1/2 मैंने y नॉट की पावर 3/2 इसके प्रोपोर्शनल होगा डिस्चार्ज। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपने चेजीज इक्वेशन यूज़ किया और परसेंटेज डिस्चार्ज की बात की तो कितना होगा, ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैंने कंसेप्ट बता दिया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। ठीक है, एक मैंने बता दिया, अब एक आप खुद करोगे, इतना तो करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग कर पाएंगे कि एफिशिएंट इकोनॉमिकल पढ़ना पड़ेगा? नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसको अभी कर लेते, उसके बाद एफिशिएंट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन पढ़ना होगा। तो इसको पहले कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। सिंपल ही है ये क्वेश्चन। हाँ, बट कुछ डाउट तुम्हारे दिमाग में होंगे, वो पहले मैं ही बता दूंगी। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चंस कर लेती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ सर्कुलर सीवर 2 मीटर डायमीटर हैज़ टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 2 m³/s। अब एक सर्कुलर सीवर है तो बना लेते हैं एक सर्कुलर सीवर, छोटू सा बना रही हूँ, ऑलमोस्ट सर्कुलर लग रहा है, नहीं लग रहा तो मान लेना। सर्कुलर सीवर 2 मीटर डाया है, तो डाया लिख लेती हूँ 2 मीटर, कैरी करता है डिस्चार्ज कितना, 2 m³/s। व्हेन फ्लोइंग नियरली फुल, बोल रहा है ऑलमोस्ट फुल फ्लो कर रहा है, कंप्लीटली फुल नहीं बोला। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स है जो थोड़े बहुत इधर उधर कर देता है, जिससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, What is the minimum required slope to initiate the flow? कितना slope कम से कम provide करो ताकि आपका flow start हो जाए। Manning's constant दिया है 0.015, तो ये कहानी आपको दे रखी है। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलेगी जिसको मुझे पहले डिस्कस करना है। रुको, चलो पहले मैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। क्लियर? मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे ज़रूर बन जाएंगे। क्लियर? तो अब देखो बात ये आती है कि मैम आपने फर्स्ट क्लास में बोला था, तो मुझसे बोलोगे कि हमेशा हम लोग अगर सीवर फुल होगा तो उस कंडीशन में फ़्लो नहीं होगा, वो पाइप फ्लो होगा वगैरह वगैरह की आपने बात की थी। अब आप कैसे बोलोगे? अगर आपको स्लोप निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो मुझे तो पता है कि आपने n की वैल्यू दी है तो मैनिंग्स फॉर्मूला लगेगा। मैं बोलूँगी बिल्कुल सही, पर आप ये तो ओपन चैनल फ्लो होगा नहीं, क्योंकि आपने तो उस दिन दो डायग्राम बनाए थे, एक भरा हुआ बनाया था और एक सर्टेन डेप्थ तक फिल था, और आपने बोला था ये ओपन चैनल फ्लो है। जो सर्टेन डेप्थ तक भरा था उसको, और जो फुल फ्लो हो रहा था वो ओपन चैनल फ्लो नहीं है। मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। तो फिर आज आप कैसे बोल रहे हो कि इसको ओपन चैनल फ्लो कंसिडर करो? तो देखो इस क्वेश्चन में अगर वो एक सर्टेन डेप्थ तक बोल देता तो तुम्हें अल्फ़ा वल्फ़ा निकालना पड़ता, टाइम कंज्यूमिंग, पहली चीज़। चलो दूसरा, इसने बोला है ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ किया है, और मैंने आपको पहले भी बोला कि वो चीज़ या कोई भी चैनल सेक्शन जिसमें फ़्लो हो रहा है वो ओपन चैनल फ्लो होगा जब उसके पास एक फ्री सरफेस होगी तब। तो जैसे ही इसके पास फ्री सरफेस है, ठीक है, तो आप यहाँ इसको ओपन चैनल फ्लो कंसिडर कर सकते हो और इसमें कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। क्लियर? तो आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो पहले ये क्लियर करना ज़रूरी था, नहीं तो अगर एक ऑप्शन आ जाता ना, अगर ऑलमोस्ट फुल करके लिखा और एक ऑप्शन दे देता दिस इज़ नॉट ओपन चैनल फ्लो, तो अधिकतर लोग उसी को क्लियर बेसिकली मार्क कर लेते। तो थोड़ा लैंग्वेज के साथ ट्विस्टिंग कर लेते, उसको समझा करो। तो अब चलो, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया पाई बाय 4d स्क्वायर क्योंकि ऑलमोस्ट फुल है, 1/n r⁴ s₀/2। अब ये चीज़ मैंने आपको इन्वायरमेंट भी बता चुकी है और आई गेस इसमें भी मैंने एक बार बता चुका है, फिर से बता देती हूँ जल्दी से इसको, कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सर्कुलर सीवर्स के लिए, सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए ऑलमोस्ट फुल है ना, a/p, वेटेड एरिया हो जाएगा π/4d स्क्वायर, पेरीमीटर 2πr दैट इज πd, तो ये आ जाएगा d/4। क्लियर? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं π/4d स्क्वायर 1/n r⁴ d/4⁴ s₀/2। चलो अब इसको थोड़ा सा, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? स्लोप चाहिए ना, तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 0.015 2/4 2 मीटर ना 2/4⁴ s₀/2। अब देखो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, इसको कैलकुलेट करना वर्चुअल कैलसी में दर्द है ठीक है। तो चलो अब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो मैं तो डायरेक्टली एक बार मैं कैलकुलेटर चला के कर देती हूँ। अब तुमको ध्यान से करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। हाँ, ये ऊपर चला गया, नीचे आएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर 2⁴ s₀/2 आ रहा 0.0151, इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो वैल्यू आ रही है 2.297। अब पहले देखना 1:2 में पूछा है, नहीं 1:2 में नहीं पूछा है, ऐसे ही पूछा है। तो ये है 2.297 इंटू 10⁻⁴ ये स्लोप की वैल्यू आई है। और अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो 36 नहीं, 14 नहीं, 91 नहीं, 23 है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.00023। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो। क्लियर? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो हमने डील किया किसके रिगार्डिंग? यूनिफॉर्म फ्लो के रिगार्डिंग। अभी चैप्टर में और क्वेश्चंस हैं, पर अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे किया। तो देखा मैक्सिमम जगह अगर मैं बोलूँ भी तो मैनिंग्स इक्वेशन ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि अब चीज़ पढ़ना ही नहीं आ रहा, तुम तो कहीं यूज़ नहीं होते करके, उसका यूज़ भी होता है, बट मैनिंग्स इक्वेशन ज़्यादा प्रिवलेंट है। क्लियर? तो आई गेस ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए हैं, हालांकि क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ फर्स्ट टाइम है तो कैसे अप्लाई करते नहीं बनता होगा, बाकी जिनको आ गया और जिन्होंने पहले से कर लिया बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ। या तो ये कहानी निकल के आती है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग गेट एग्जामिनेशन एंड योर ईएससी कन्वेंशनल एग्जामिनेशन, और वो क्या है, मोस्ट एफिशिएंट या इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, जिसका कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो, अच्छा पहले मैं जानना चाहूँगी आप लोग के विचार कि जब भी ये वर्ड आता है ना इकोनॉमिकल, देखो चीज़ों को डिस्कस करके पढ़ोगे ज़िंदगी भर याद रहेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार चलो पढ़ना है करके स्पीड में प्लेबैक स्पीड ज़्यादा करके लगा दियो फटाफट, तुम्हारा ही नुकसान है। मोमेंटरीली कुछ समय के लिए याद रहेगा बट कंसेप्चुअल वाइज लॉन्ग टाइम में ज़ीरो। तो चलो अब ये बताओ कि जब भी ये इकोनॉमिकल वर्ड दिमाग में आता है, कहीं पर भी आपने पढ़ रखा होगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में खासकर, तो ये इकोनॉमिकल वर्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड इकोनॉमिकल? क्या बताता है इकोनॉमिकल? पहले बताओ मुझे ना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। बस अभी तुम लोग को इससे रिलेटेड नहीं आंसर देना, जनरल बेसिस पर पूछ रही हूँ कि जहाँ पर भी आपने कहीं पर चालू भाषा में आपने बोल रखा है, जैसे सेल वेल आती है, अभी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की सेल वगैरह आ रही है, दिवाली में आएगी, तो क्या होता है इकोनॉमिकल है यार, कब से देख रहा हूँ ये ईयरफोन्स आपके आईपॉड्स ये सब इतने महंगे चल रहे थे, अभी मस्त इकोनॉमिकल है। तो बेसिकली ये इकोनॉमिकल वर्ड चालू भाषा में जो आपने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा मैक्सिमम लोगों ने, तो ज़रा बता सकते हो ये इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? क्योंकि यूज़ तो हम यहाँ पर भी करेंगे, दिस वर्ड विल बी यूज्ड हियर ऑल्सो। हेडिंग डाल देती हूँ, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। What do you mean by this most economical channel section? इकोनॉमिकल का बताना है मेरे को भी, ये तो मैं बताऊंगी ना आपको, आपको मुझे सिर्फ इकोनॉमिकल का मतलब बताना है। तो देखो अगर मैं इकोनॉमिकल की बात करूं तो मतलब चीज़ें सस्ती हो, बजट में हो, चालू भाषा में तो आप यही बोलते हो, ठीक है, चीज़ें सस्ती हो, इकोनॉमिकल हो, बजट में हो, उसको आप बोलते हो। तो यहाँ पर चैनल सेक्शन में इसका यूज़ क्या आया, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या होता है। अब देखो पैसे की बात हो रही है, मतलब क्या ज़्यादा सूटेबल हो, क्योंकि एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये चीज़ आपने इरिगेशन में पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो चैनल्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली हम लोग भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब ह्यूमंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? देखो नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा है रिवर रिवलेट्स टॉरेंट वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वेल गुड इनफ टू दैट, बट हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि पूरे ओपन चैनल फ्लो में हम लोग ने प्रिज्मेटिक आर्टिफिशियली रिजिड बाउंड्री चैनल की बात की। तो बेसिकली ये जो कैनाल्स चैनल्स हम लोग बनाते हैं दिस इज़ यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, जिसके लिए हमें ये चैनल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। अब क्योंकि ये चैनल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं और ऐसा थोड़ी ना 2 मीटर 3 मीटर का चैनल बना दो, ये तो किलोमीटर्स में एक्सटेंड करते हैं ना। तो जब ये किलोमीटर्स में एक्सटेंड करते हैं उनकी अलाइनमेंट चेंज होती है, शेप्स की बात होती है, इतना सब कुछ कंसिडर करना होता है, इवन मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूँ, ये सब तो मैं अभी छोड़ रही हूँ, ये तो सब चलो हमारे बाकी के एक्सपेंसेस है। बेसिकली मेरा फोकस है कि ये जो किलोमीटर्स में आपका बन रहा है चैनल सेक्शन, तो इसमें आपका क्या यूज़ हो रहा है, मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उस मटेरियल के लिए लगते हैं पैसे। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि उसको हम लोग क्या करें, इकोनॉमिकली यूज़ करें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम निकल कर आए, ये हमारी ड्यूटी है, और यही तो हम इंजीनियर्स के लिए हमें अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ मोस्ट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल है बट उसके आगे वो मोस्ट भी लगा है, तो हर इंग्लिश वर्ड का अपना यूज़ है, फालतू में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लगा है यहाँ पर। सो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन क्या होता है? मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन वो चैनल सेक्शन होता है जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम निकल कर आता है फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। मतलब अगर आप एक गिवन डिस्टेंस, अब ऑब्वियस ही बात है जब भी आप डिज़ाइन करते हो, जैसे कि एग्जांपल है अगर आप आरसीसी की बात करो तो आप क्या करते हो, एक सर्टेन लोड के लिए डिज़ाइन करते हो ना बिल्डिंग्स, लाइव लोड डेड लोड पूरा कैलकुलेट करते हो, उसके हिसाब से स्लैब्स की डिज़ाइनिंग करते हो, कॉलम्स की डिज़ाइनिंग करते हो, फुटिंग्स की डिज़ाइनिंग करते हो, तो आपको एक सर्टेन लोड दे दिया जाता है और आप उसके लिए कैलकुलेशंस करते हो और डिज़ाइन करते हो कि ठीक है सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड करो, स्क्वायर कॉलम प्रोवाइड करो, ये सब चीज़ें आप उसमें करते हो, डिज़ाइनिंग आपने कर रखी होगी, ठीक है, तो आप ये करते हो प्रोवाइडेड आपको पता है कितने लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वैसे ही ऐसा खुद की मर्जी थोड़ी ना, अरे चलो भाई 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाले डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन कर दो, ऐसा थोड़ी ना है। प्रॉपरली आपको पता है कि यार इतने डिस्चार्ज के लिए मुझे चैनल सेक्शन डिज़ाइन करना है, तो मुझे देखना है कि अगर इतना डिस्चार्ज पास करना है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम कैसे निकल कर आएगी। तो मैं वो चैनल सेक्शन की बात कर रही हूँ दैट फॉर अ गिवन डिस्चार्ज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम्स आउट टू बी मिनिमम, पहली चीज़। तो चलो इसको लिख देती हूँ, क्वेश्चन वाली बुकलेट अलग साइड करती हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं चल रहा है, अभी नहीं चाहिए। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन इज दैट, यहीं पे लिख देती हूँ ना, इज दैट फॉर विच कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इज दैट फॉर विच कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मिनिमम, construction cost is minimum for a given discharge। ये कहानी निकल के आती है, ये कहानी निकल के आती है किसकी, आपकी मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की। अब बारी आती है कि ठीक है ये तो हमको भी पता था, कुछ नया थोड़ी ना बताया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम आएगी तो इकोनॉमिकल होगा, वो तो पैसे की बात है, पैसे जितना कम उतनी अच्छी बात है, यही बोलते हैं अपन। पर ये मुद्दे की बात ये है कि मुझे ये बताओ कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम कैसे करें, मुद्दा तो यही है ना। आपने बोला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम करो एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए, उसको मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बोल दिया, तो प्रॉब्लम तो यही आई कि बताओ तो सही कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम कहाँ पर होगी, कैसे होगी, कंडीशंस क्या होगी, किस कंडीशन में रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा, ये सब 100 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, तो समझ लेते हैं इसको भी। अब देखो क्या होता है हमारा, आपने पढ़ रखा है कोई भी चैनल सेक्शंस, इरिगेशन में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो चिल मारो, मैं बता देती हूँ आपको क्या। तो क्या होता है जो भी आपका चैनल सेक्शंस होते हैं, लेट अस सपोज रेक्टेंगुलर ही पढ़ते आ रहे हैं तो अभी रेक्टेंगुलर ही ले लेते हैं पहले, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। अब क्या हो रहा है, अब बात ये हो रही है कि इस रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन में, इन दिस रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, बात ये निकल कर आती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आप देखो ये पूरे पेरीमीटर के अलॉन्ग लाइनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये लाइनिंग बेसिकली आप कंक्रीट की भी प्रोवाइड कर सकते हो, अदर मटेरियल्स की कर सकते हो, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट की बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, विट्रीफाइड क्ले की बहुत सारे होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विट्रीफाइड क्ले की, ब्रिक्स की एंड इवन कॉन्क्रीट की प्रोवाइड करते हो। तो बात ये निकल कर आती है कि ये लाइनिंग आपने अलॉन्ग द पेरीमीटर प्रोवाइड की, अब ये लाइनिंग प्रोवाइड की तो फ्री में थोड़ी ना होगी, ऑब्वियसली पैसे लगेंगे, बिल्कुल पैसे लगेंगे, तो पैसे लगेंगे तो मुझे इसको कम करना है, तो मुझे इस पैसे को, इसमें जो ये पैसे लग रहे लाइनिंग में अलॉन्ग द पेरीमीटर, इसको कम करना है। तो मैंने सोचा कि देखो यार डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, अभी मैनिंग्स फॉर्मूला से लिख रही हूँ, वेलोसिटी 1/n r^2/3 और डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब ये सब ना मैंने डायरेक्ट ही करना है और तुमने मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, मैम आपने एक स्टेप छोड़ दिया, इतनी क्वेश्चंस कराए हैं एक एक स्टेप करके, अब पूछो ना पाप लगेगा तुमको, ठीक है। हाफ, तो अब ये क्या हुआ Q, बाकी चीज़ को छोड़ दो, 2/3 + 1 5/3 p^2/3। अब मैंने अभी तो फ़िलहाल के लिए एरिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात पेरीमीटर से हो रही है कि अगर मुझे गिवन डिस्चार्ज पास कराना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो आपका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर पेरीमीटर कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लाइनिंग कम लग जाएगी, पैसे कम लगेंगे, ऑप्टिमम यूज़ हो जाएगा और मेरा इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मिल जाएगा। तो ये कहानी निकल के आती है। तो मेरे दिमाग में आया कि कौन सी कंडीशन है जो इसको फुलफिल करेगी, वो कंडीशन जब पेरीमीटर आपका मिनिमम निकल कर आता है। दैट्स इट, कहानी ख़त्म। अब ये तो एक टॉपिक हुआ। दूसरा, अभी इतना क्लियर? चलो अब एक और हेडिंग लिखते हैं अपन। ये पेन हो गया लाइट, तो दूसरा पेन ले लेती हूँ। दूसरा है मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। अब तुम बोलोगे दोनों अलग अलग होता है क्या? हमने तो दोनों एक ही समझा था। तो पहले इसका मतलब तो समझो कि दोनों को एक आपने कंडीशन सेम होने के कारण लिया है, बट एफिशिएंट और इकोनॉमिकल में कुछ तो अंतर होगा ना। ठीक है, एफिशिएंसी की बात है, इकोनॉमिकल की बात है। अब ज़रा मेरे दिमाग में इकोनॉमिकल तुमने को मैंने पूछा, आई गेस पॉज करके बता दिया फटाफट, मतलब क्विक रहना है। मैं तो माहौल बना के पढ़ा रही हूँ ताकि चीज़ें रिलेटिव वे में चले। मैंने पूछा एफिशिएंट क्या है, तुमने वीडियो पॉज करके खटाक से लिख देना है। ठीक है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। अब चलो, एफिशिएंट चैनल सेक्शन है, मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन है। तो कहानी ये निकल के आती है कि ये एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। हम अच्छे से वर्क करें, जो अच्छा आउटपुट दे, जिसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। ऐसे तुम लोग के आंसर्स होते, पता है ना। मेरे को ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते, इसलिए मेरे को पता है तुम भी कहाँ ही डिफरेंट होगे। अब बारी आती है कि चैनल सेक्शन में एफिशिएंट क्या होगा, बताओ। एफिशिएंसी की बात आ रही है तो यार मैं तो यही चाहूँगी कि अगर कोई चैनल बना रहा है, वो कोई भी शेप का बनाए, तो मैं तो यही चाहूँगी कि कोई गिवन एरिया के लिए, वहाँ पे मैं गिवन डिस्चार्ज बोल रही थी, ध्यान रखियो, वहाँ पे डिस्चार्ज बोला, यहाँ पर गिवन एरिया बोला, कि फॉर अ गिवन एरिया, कोई भी पर्टिकुलर गिवन एरिया के लिए डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए। मतलब मुझे ज़्यादा एरिया की ज़रूरत ना पड़े, एरिया मैंने कांस्टेंट रख देना। एरिया मैंने बता दिया कि यार इतना एरिया, बट मैं ये चाहूँगी कि मेरा डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिमम निकल के आ जाए, तो मेरे लिए एफिशिएंट हो जाएगा कि यार चलो कम एरिया में ज़्यादा डिस्चार्ज निकल के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या होना चाहिए, अ सेक्शन, लाइट वाला उठा लिया क्या, अ सेक्शन इज सेड टू बी efficient if it carries maximum discharge for a given cross sectional area। ये बन गया क्या, ज़्यादा स्लांटिंग हो गया, रुको इसको ठीक करती हूँ। फॉर इट्स गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो डेफिनेशन में फ़र्क है, इकोनॉमिकल की डेफिनेशन अलग है, एफिशिएंट चैनल सेक्शन की डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे आपने डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, वहाँ पर आपको क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम चाहिए फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। तो ये कहानी निकल के आती है। अब बात आती है कि एफिशिएंट चैनल सेक्शंस में बात करी हूँ, तो मुझे एफिशिएंट चैनल सेक्शन मिलेगा कैसे, मतलब मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए ना, क्यू मैक्स चाहिए मुझे, मुझे चाहिए क्यू मैक्स एक पर्टिकुलर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए। तो इसमें क्या कंडीशन निकल के आएगी, What will be the condition which will come into picture। पहले आप बताओ मुझे कि यार मैंने बोल दिया, मैंने आपको बता दिया, पूरा डेफिनेशन बता दिया, चालू भाषा में क्या बोलते हो वो बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे बताओ इस कंडीशन में क्या यूज़ करना पड़ेगा, बताओ। देखो इस कंडीशन में भी वही फंडा यूज़ होगा कि अगर आप चाहते हो कि डिस्चार्ज मैक्सिमम हो। आप देखो ना, इसी से देख लो, आप चाहते हो डिस्चार्ज मैक्सिमम हो, तो आप तो चाहोगे ना कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, तभी तो आपको क्यू की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब है मेरे दोनों काम हो गए, एक तीर से दो निशाना। क्या कि अगर मुझे इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन चाहिए तो भी मुझे पेरीमीटर मिनिमम चाहिए, अगर मुझे एफिशिएंट चैनल सेक्शन चाहिए तो भी मुझे पेरीमीटर क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 2/3 ये कहानी आपकी निकल कर आएगी। ठीक है, ये कहानी आई। अब क्या हो रहा है, अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि रीज़न इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम चाहिए, कंस्ट्रक्शन पैसा ज़्यादा लगता है कि इसमें लाइनिंग में, तो मुझे लाइनिंग की अगर बात करनी है तो मैं चाहती हूँ कि पेरीमीटर मिनिमम हो। एंड इवन यू नो व्हाट, अगर पेरीमीटर मिनिमम होगा, बता रही हूँ जस्ट आपकी जानकारी के लिए, कि अगर पेरीमीटर मिनिमम होगा तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो होगा वो भी कम निकल कर आएगा। क्लियर, तो ये भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब बेसिकली हम लोग 3 अलग अलग चैनल सेक्शंस की बात करने वाले हैं। एक है रेक्टेंगुलर, फिर है ट्राइंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल। 3 चैनल सेक्शंस की बात करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं। पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में बता दूँ, फिर आपको रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन का डिराइव करके बताती हूँ। देखो, क्वेश्चंस बुकलेट में है कम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जनरल बेसिस पर है। तुम्हें पता जो क्वेश्चंस पूछने वाला है ना, वो मैंने तुम्हें एग्जांपल बना के बता देना है, और ये चीज़ आपने भली भांति फील कर लिया होगा इन द केस ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो चीज़ उसमें मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दी होगी, वो मैंने यहीं पर करा देना है तुम्हें डिराइव करके। ठीक है, तो चिल करो इस चीज़ के लिए। तो अगर अब मैं रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शंस के लिए बात करूँ, हेडिंग है मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। अब एक एक करके डिराइव करते जाएंगे फटाफट। तो चलो, पहला है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। ये है विड्थ, ये मैंने डेप्थ ऑफ फ्लो वायर ले लिया। ठीक है, इसको तो कितनी बार बना चुकी हूँ, अब तो तुम्हें आंख बंद करोगे तो भी तुम्हें दिख जाएगा। क्लियर, अब बात करते हैं क्या, अगर इसकी एरिया की बात करूँ तो एरिया कितना होगा, BY, पेरीमीटर होगा B+2Y, वेटेड पेरीमीटर। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पेरीमीटर क्या हो, मिनिमम हो। तो आपने मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट तो पढ़ रखा होगा। तो मैं चाहूँगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम, फॉर पेरीमीटर टू बी मिनिमम, del P/del Y = 0। ये चीज़ तो मैंने मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट में पढ़ रखी है, बट यहाँ पे B पिक्चर में आ रहा है, मुझे इस B को हटाना है। तो पहले इक्वेशन में से मैं B की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, A/Y। तो यहाँ पर A/Y + 2Y = पेरीमीटर। तो अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे होगा, del P/del Y, सो दिस विल बी A/Y + 2Y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A तो बाहर कांस्टेंट है, del by del y of 1/y क्या हो जाएगा, y⁻⁻⁻1। तो ये क्या आ जाएगा, एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट टाइम है, इसके बाद नहीं दिखाऊंगी। वैसे तो -1/y² होता है, और ये डिफ्रेंशिएट करके 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी -y² + 2। ये निकल के आता है, ये हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, A/Y² = 2। तो एरिया निकल के आता है 2Y²। जो चीज़ें मैं ब्लॉक में मार्क करूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी उसको ब्लॉक में मार्क कर रहे हो। तो एरिया निकल कर आया 2Y²। अब ये एरिया की वैल्यू, इसको हटा देती हूँ पहले, और चीज़ें डिराइव करनी है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शंस के बारे में, क्योंकि चलो, अब एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, B/Y। सो दिस एरिया इज 2Y²। इसकी जगह लिखो, एरिया की जगह BY = 2Y²। सो B = 2Y। या y इज इक्वल टू b बाय 2। अब एक एक चीज़ को मैं पहले समझा देती हूँ, फिर आगे की बात करती हूँ और भी चीज़ें डिराइव करती हूँ। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेटा नहीं गिवन होता। जैसे कि याद करो कल का क्वेश्चन था जिसमें उसमें आपको दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में कि बेसिकली जो डेप्थ है वो हाफ द विड्थ है, या विड्थ जो है वो ट्वाइस द डेप्थ है, कोई भी फॉर्मेट में बोल सकता है। अगर क्वेश्चन में उसको ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं करनी थी, इफ़ ही डजंट वॉन्ट टू स्पेसिफाई दिस थिंग इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट ही विल डू इज वो आपको बोल देगा अज्यूम द रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, या बेसिकली ऊपर रेक्टेंगुलर करके पूरा डेटा तो दे रखा है, अज्यूम द गिवन चैनल सेक्शन टू बी एफिशिएंट। बस उसने ये बोलकर आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया। उसमें क्या होगा, अब आप बोलोगे यार विड्थ और डेप्थ के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, डेटा मिसिंग है, जिसको कुछ हवा ही नहीं है तो वो कैसे सॉल्व करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एफिशिएंट चैनल सेक्शंस की बात कर दिया, क्वेश्चन में बोल दिया एफिशिएंट चैनल सेक्शन है, तब तो आपको y इज इक्वल टू बी बाई टू लेना ही लेना है। यू हैव टू टेक y इज इक्वल टू बी बाई टू इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में और डिस्कशन करूंगी, वेट करो, मैं पहले पूरी चीज़ें डिराइव कर देती हूँ। एरिया बता दिया, रिलेशन बता दिया, पेरीमीटर बता देती हूँ। पेरीमीटर क्या था, b प्लस 2y था, b की जगह क्या लिख सकते हो, 2y प्लस 2y, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4y। एक और रिलेशन आया, फिर r क्या होता है, a बाय p। एरिया क्या है, एरिया है 2y स्क्वायर, पेरीमीटर है 4y, सो ये कितना, नीचे लिख देती हूँ उसको, r आ जाएगा y बाय। ठीक है, लास्ट एक और चीज़ डिराइव करके दिखाती हूँ। डेप्थ बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, डी बताती हूँ, हाइड्रोलिक डेप्थ, एरिया बाय टॉप विड्थ। तो एरिया हो जाएगा इसका, कहाँ है एरिया, 2y स्क्वायर, टॉप विड्थ कितनी होती है b, तो b की जगह क्या हो जाएगा 2y, सो d इज इक्वल टू वाई। कर दिया। अब देखो इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस कर बनने वाले हैं, मैंने क्वेश्चंस डिस्कस ही नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये अपने आप में ही क्वेश्चन है। कैसे समझते हैं, अब देखो एफिशिएंट चैनल सेक्शंस की पूरी कहानी इतना टाइम लेके धीरे धीरे बताकर आई हूँ। ठीक है, बता दिया मैम। अब क्या, मैंने आपको ये कंडीशन भी बताई मैक्सिमा मिनिमा की, अब चाहो तो उसको डबल डिफरेंशिएट करके देख लेना, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वही कंडीशन निकल के आई है जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। चलो वो भी सही है। अब किस्सा ये है, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न्स में पूछ देता है। कैसे, देखो अगर ये क्वेश्चन 2010 गेट में पूछा गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 2010 के करीब है ये क्वेश्चन पूछा गया। उसमें क्या किया पता आपको, वेटेड एरिया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एक साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे साइड उसके एक्सप्रेशन लिख दिए रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए, और बोल दिया फॉर मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। अब आपको मैच करना है कि एरिया कौन सा होगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कौन सी होगी। तो अब आप चाहते हो मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मार्क करके आपको दे दिया है। पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, पहले ही बता दिया, कल जो क्वेश्चन किया था हमने, जो दो कॉमन डेटा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पर ये कंडीशन मेंशन कर दी थी। अगर नहीं करके सीधे बोल देता आपको कि ये कंडीशन लेनी है, कंसिडर डेप्थ टू बी हाफ द विड्थ ऑफ फ्लो, तो आपको ये वाला पता दिमाग में रहना चाहिए कि इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, एफिशिएंट चैनल सेक्शंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरा चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ये चीज़ें आपसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ लेता है। लेट अस सपोज आपको 4 अलग अलग चीज़ें इसी के बारे में बताएगा। ठीक है, 4 अलग अलग चीज़ें कि हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ फ्लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द डेप्थ ऑफ फ्लो, ऐसे 4 स्टेटमेंट्स दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो तब पता चलेगा। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो इसको आपको 2-3 लाइन में बताया, एक लाइन में आप सॉल्व करके ये निकाल लोगे, तो उसके रिगार्डिंग आई डोंट थिंक कि कोई डाउट रहना चाहिए, पहला चीज़। अब ये चीज़ जो मोस्ट प्रिवलेंट, एक ही, ये आपके स्टेट लेवल्स का फॉर्मेट है बता दूं, एक ही चीज़ को 4 अलग अलग तरीके से पूछ देता है। वो ये एक स्टेटमेंट, दो चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, मैक्सिमम स्टेट लेवल एग्जाम्स में देखा गया, वो ये Depth of flow is half the width of flow, 1/3 width of flow is thrice of depth of flow. तो ये कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए. और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ये दो चीज़ें फ्रीक्वेंटली मैक्सिमम बार पूछ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखो. और इस चीज़ को इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जब मैं एक और चैनल सेक्शन की बात करूँगी तो ये सेम निकल कर आएगा, उसमें भी आर की वैल्यू. तब देखना, तब आपको क्वेश्चन आता है इसकी और इसकी वैल्यू आर, मतलब उस चैनल सेक्शन के और रेक्टेंगुलर का हाइड्रोलिक मीन डेप्थ सेम होता है, अलग होता है, कितना होता है, ऐसे पूछ लेता है. ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन. तो मैं बता रही हूँ चीज़ें वो ही है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे देगा, मैच द फॉलोइंग में दे देगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में दे देगा. अब तो इतने आगे बढ़ चुके हैं. लास्ट एमएसक्यू. अब समझो, अभी तो मैंने रेक्टेंगुलर बताया. अब वो क्या कर सकता है, गिवन डेटा देकर वो आपसे उसी चीज़ को, लेट अस सपोज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, चैनल सेक्शन दे दिया है, ठीक है, विड्थ दे दिया, बाकी चीज़ें दे दी. अब वो क्या करेगा, लेट अस सपोज अभी रेक्टेंगुलर की बात करते हैं. रेक्टेंगुलर में एग्जांपल बता रही हूँ तुम्हें कैसे पूछेगा. अब आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है इसके लिए. तो क्या करेगा, डिस्चार्ज दे देगा कोई वैल्यू, डिस्चार्ज की वैल्यू दे देगा, और मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की ज़रूरत है. डिस्चार्ज दे देगा और लेट अस सपोज विड्थ की वैल्यू दे दिया, या वेलोसिटी के रिगार्डिंग एरिया दे दिया, कुछ भी ऐसा दे देगा आपको. तो आपसे पूछेगा, आपसे बोलेगा, या एरिया ना देके ना वो फ्राउड नंबर दे देगा, कुछ भी ऐसा करेगा वो आपको परेशान करने के लिए. और आपको क्या करेगा, 4 से 5 स्टेटमेंट दे देगा कि इस कंडीशन में अगर चैनल सेक्शन एफिशिएंट या इकोनॉमिकल है, 4 स्टेटमेंट. क्वेश्चन में पूरा डेटा गिवन है, ठीक है, स्लोप दे रखी होगी, वेलोसिटी भी डायरेक्ट नहीं देनी ना, तुमसे कैलकुलेशन करानी है तो स्लोप दे देगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दे देगा परेशान करने के लिए, कैलकुलेशंस को लेंदी करने के लिए. तो अब वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन में दे दिया डिस्चार्ज, एरिया, इन सब की बात कर ली. तो अब वो ये बोलेगा कि अज्यूम द चैनल सेक्शन टू बी मोर एफिशिएंट, द डेप्थ ऑफ फ्लो. 4 ऑप्शन दे देगा पैरामीटर्स के रिगार्डिंग कि हाइड्रोलिक डेप्थ इतनी निकल कर आ रही है, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इतनी निकल के आ रही है, पेरीमीटर इतना निकल कर आ रहा है. तो आपको पहले तो एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, डेप्थ निकालना पड़ेगा. वो कुछ ऐसा करके देगा आपको बेसिकली क्वेश्चंस में कि डेप्थ निकालना पड़ेगा. एक बार डेप्थ आ जाए फिर प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो आप पेरीमीटर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ, या कोई भी चीज़ हो, एरिया, सब निकाल लोगे. ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देगा जैसे कि अभी कर चुका ना, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, बस वही फंडा लगाना है. बस फर्क इतना आएगा, विड्थ की जगह आपको ट्वाइस ऑफ डेप्थ लिखना है. ठीक है, पूरे क्वेश्चन में बाकी सब डेटा गिवन होगा, सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं गिवन होगी. उस डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए आपको B = 2y याद रखना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि उसने बस एफिशिएंट बोल के काम छोड़ दिया अपना. तो आपको पता रहना चाहिए कि B = 2y लेना है. ठीक है, एक बार वो आ गया फिर आप कैलकुलेट करते जाओ और चेक करते जाओ. एंड एक चीज़ जो पूछ लेता, अब देखो ये सब तो रिलेटेबल हो गया ना, एक चीज़ पूछ लेगा कि क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है. वो डेप्थ नहीं पूछेगा, हाइड्रोलिक डेप्थ नहीं पूछेगा, वो बोलेगा फ्लो सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है कि क्रिटिकल है, ऐसा पूछ लेगा. तो आपको फ्राउड नंबर निकालना पड़ेगा. फ्राउड नंबर के लिए क्या होता है, V√/GD, और हमारे केस में y हो गया. ठीक है, तो ये कहानी पूछ लेता है. क्लियर? तो कहने का मतलब है ये पूरा डिस्कशन निकल कर आता है जब आप एफिशिएंट चैनल सेक्शंस की बात करते हो. अब ये मैच द फॉलोइंग वाला आप खुद सॉल्व कर लेना, ये आपके बेसिकली गेट 2010 में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग पैरामीटर्स देकर. इसलिए मैंने इसको ब्लॉक में मार्क कर दिया बिकॉज आई वांट कि आप, वैसे भी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पेजेस पलटाओ तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए. दिस शुड बी इन योर माइंड कि क्या क्या डाउट्स आपसे पूछ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है, वो आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि यार दिस कैन बी आस्क्ड. ठीक है, और इसमें तो आई गेस और कुछ नहीं करना है. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रेपेजॉइडल, देखो रेक्टेंगुलर बहुत ही सिंपल था, एंड यू नो व्हाट, मैक्सिमम क्वेश्चन रेक्टेंगुलर से पूछ लेते हैं. ट्रेपेजॉइडल भी आता है, ट्रेपेजॉइडल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिग डील नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो पहले मैं चाहूँगी कि एक बार जैसा भी हो, एक बार आपने ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन का निकाल के आना है. कोशिश करना, मैं बोल नहीं रही हूँ कि मैं नहीं कराऊंगी, आप ही को करना है. ट्रेपेजॉइडल बना के दिखा देती हूँ मैं कौन सा पैरामीटर्स की वैल्यू क्या कंसिडर करने वाली हूँ. अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है. ज़्यादा बड़ा बन गया, छोटा कर देती हूँ, थोड़ा रुको 1 मिनट. कल मैं इसका डिस्कशन करूँगी बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में. तो ये ट्रेपेजॉइडल जाना सेक्शन, अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं किया, इवन शायद मैंने एक भी बार बनाया भी नहीं अभी आपको दिखाने के लिए। ये स्ट्रेट है, हाँ मेरी थोड़ी सी स्लांटिंग बनी होगी। ये डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है, ये वाई है, ये विड्थ है बी, और ये स्लाइड स्लोप है 1:m। तो कोशिश करना, कंसेप्ट यही लगेगा, कंसेप्ट में नो चेंजेस, ओनली चेंज विल बी देयर इन द एरिया एंड द पेरीमीटर। तो एक बार कोशिश करना, बिकॉज मैंने पहले भी बोल चुका मैं, मेरा मेन मोटिव सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुम्हारे दिमाग को डेवलप कराना है, हमेशा से मेरा यही टारगेट है। तो एक बार जो लोग बहुत न्यू हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी कभी नहीं किया इसको, तो आप इस केस में सॉल्व करके लाना। हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर दो कंडीशंस बनेगी, एक कंडीशंस नहीं बनेगी, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। क्यों दो कंडीशन बनेगी? क्योंकि यहाँ पर स्लोप भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो की बात हो रही थी, डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंजेस निकल के आ रहे थे, तो आपने एक बार डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए बस डिफ्रेंशिएट किया। क्यों डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए डिफ्रेंशिएट किया? क्योंकि इसमें चेंजेस आ रहे थे ना, यहाँ पर तो डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज हो सकता है, स्लोप भी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस निकल कर आएगी। क्लियर? तो उन दो कंडीशंस को हम लोग को डिस्कस करना है, जो कि बिल्कुल हम करेंगे। आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर आप चाहो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है? और अगर कोई आपसे पहले कमेंट कर देता तो चिल मारो यार, वो उसका वो जाने, मेरा दिमाग मैं जानूँ, ठीक है? गेट में टॉप तो मेरे को ही करना है ना, बस मैंने कमेंट करना है, बस तूने पहले किया उससे मेरे को क्या, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। क्लियर? सो आपके पास जितने भी रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के, चाहे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हो, या मैच द फॉलोइंग हो, या प्रीवियस गेट में पूछे हो, ईएसी के हो, जिस अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ, तो सब क्वेश्चंस को कर डालो, ठीक है? कोई डाउट निकल कर आता है इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, टेलीग्राम चैनल है उसमें पूछ लेना, बाकी लगता नहीं हमें कोई इससे रिगार्डिंग डाउट होना चाहिए, ठीक है? तो वो डाउट आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर? सो अब आज तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चंस भी कराए, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैनिंग्स फॉर्मूला और चेजी फॉर्मूले से मैंने बोला है, उसका आंसर मेरे को पक्का से चाहिए, नहीं तो फिर मैंने ओपन चैनल फ्लो पढ़ाना बंद कर देना है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा पार्टिसिपेशन चाहिए। सो मुझे चेजीज इक्वेशन से डराइव करके बताओगे, एफिशिएंट इकोनॉमिकल का मतलब पूछा था, चालू भाषा में ही क्या होता बता देना था चाहिए आपको अभी तक कॉमेंट सेक्शन में, एंड इसका ट्राई करके आना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, न्यू हो तुम लोग, बट इसको ट्राई करके आना, जस्ट ट्राई इट वंस। क्लियर? तो इसको ट्राई कर लेना, बाकी ट्रेपेजॉइडल कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं तो वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो ट्रायंगुलर भी कर लेंगे, ठीक है? सो रिवाइज दिस, पूरा रिविजन हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस तुम्हारा होमवर्क है, अगर अभी तक के पेंडिंग क्वेश्चंस बचे हैं यूनिफॉर्म फ्लो के, शियर स्ट्रेस वगैरह से रिगार्डिंग, डेप्थ निकालो, एन की वैल्यू निकालो, स्लोप निकालो, इतना बढ़ा दिया डेप्थ में तो डिस्चार्ज कितना बढ़ेगा, या इतना कम कर दिया, देखो मैंने बढ़ा हुआ बता दिया तुम्हें, क्वेश्चन में कम वाला भी आ सकता है, तो अगर इतना कम कर दिया तो डिस्चार्ज कितना कम होगा, तो सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जो भी सोर्सेज हो, टेस्ट सीरीज हो, बुक्स हो, जो भी उसे कर लेना, ठीक है? मैंने नेक्स्ट सेशन में ट्रेपेजॉइडल चालू करना है, तो पेंडिंग वर्क्स नहीं होना चाहिए, आज का पूरा टाइम ले लो, पर पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होना चाहिए। फाइन? सो नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिवाइज दिस, स्टडी हार्ड।